इस मॉड्यूल के अंदर हम डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से कमोडिटी uh, एग्रीमेंट्स होते हैं इसको हम uh, अगर देखा जाए तो डोमेस्टिक लेवल पे कुछ एग्रीमेंट्स होते हैं कुछ इंटरनेशनल लेवल पे होते हैं तो फर्स्ट फॉर्म इज़ मार्केट बोर्ड्स मार्केटिंग बोर्ड्स की फॉर्म के अंदर एग्रीमेंट होते हैं ऑपरेटेड बाय द परचेजिंग ऑपरेटेड बाय परचेजिंग द आउटपुट ऑफ डोमेस्टिक प्रोड्यूसर एट द स्टेबल प्राइस सेट बाई द बोर्ड एंड देन विच वुड एक्सपोर्ट द कॉमोडिटी एट फ्लक्चुएटिंग वर्ल्ड प्राइसेज दैट इज कोका मार्केटिंग बोर्ड गाना राइस मार्केटिंग बोर्ड बर्मा इसके अंदर बेसिकली एक मार्केटिंग बोर्ड बनाया जाता है जिसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि एक मार्केट प्राइस को देखते हुए एक वर्ल्ड लेवल के ऊपर या एक प्रोजेक्शन इसमें बहुत ज़्यादा प्रोजेक्शंस की इन्वॉलमेंट होती है या प्रोजेक्ट किया जाता है चीज़ों को कि आप नॉर्मली अगर आप देखें तो इस मार्केटिंग बोर्ड का ये काम होता था कि स्टेबल प्राइसेस जब भी होती थी उनको परचेज़ कर लेते थे और जब फ्लक्चुएट करती थी डोमेस्टिक प्रोड्यूसर से ए एक स्टेबल प्राइस के ऊपर कॉमोडिटी ले ली और जब इंटरनेशनल लेवल पे प्राइसेस सपोज़ ज़्यादा होती थी Uh, तो उस केस के अंदर जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर था उसको बेनिफिट बहुत ज़्यादा नहीं दिया जाता था उसी स्टेबल प्राइस के हिसाब से उससे परचेस कर ली जाती थी और इवन अगर इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस कम हो गई है उस उससे जो उसने स्टेबल प्राइस सेट की हुई है तो उसको प्राइस कम नहीं दी जाती थी तो ये कह सकते हैं कि इन मार्केटिंग बोर्ड्स का ये काम था कि जो प्रोड्यूसर्स थे उनको फैसिलिटेट किया जाए फैसिलिटेट इस फॉर्म में हो सकता था कि उनको एक स्टेबल प्राइसेस दी जाए जिस प्राइस के ऊपर सेल परचेज़ उनसे हो सके परचेज़ ख़ास तौर पे हो सके तो टू प्राइसेस बनती थी एक वो प्राइस जिसके ऊपर आप जो मार्केटिंग बोर्ड था परचेज़ करता था डोमेस्टिक प्रोड्यूसर से और फिर वो एक प्राइस वो होती थी जिसको आप इंटरनेशनल uh, प्राइस बोलते थे uh, जहाँ पे वर्ल्ड लेवल पे उस चीज़ को बेचा जाता था अगर तो प्राइस ज़्यादा हो गई तो फिर भी जो प्रोड्यूसर्स था उसको बहुत ज़्यादा uh, जो गेन नहीं मिलता था लेकिन uh, क्योंकि फ्लक्चुअल फिर फ्लक्चुअल uh, फ्लक्चुएट करती थी आपकी एक्सपोर्ट्स तो उस केस के अंदर अगर लॉस होता था प्राइसेस कम हो रही हैं तो उसका भी फ़ायदा किसको होगा uh, उसी प्रोड्यूसर uh, को होगा उसका नुकसान नहीं होगा उसको तो दैट वाज वन टाइप उसके बाद दूसरी टाइप आती है इंटरनेशनल कमोडिटी एग्रीमेंट्स की जिनमें से पहली चीज़ जो है वो है बफर स्टॉक्स ये बड़ा कॉमन रहा है लेकिन इसको बहुत ज़्यादा फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यूज़ नहीं किया गया uh, उससे पहले थोड़ा सा मार्केटिंग बोर्ड्स की एक दो इश्यूज़ थे वो इश्यूज़ थे ये कि आपके पास जो मार्केटिंग बोर्ड था उसको बहुत ज़्यादा प्रोजेक्शंस करनी पड़ती थी और वॉलिटैलिटी इतनी ज़्यादा होती थी जिसकी वजह से आपके पास जो परचेज uh, थी उसकी प्राइस के एस्टीमेट करना भी एक uh, मतलब हेक्टेक काम था क्योंकि अनप्रडिक्टबलिटी बहुत ज़्यादा थी और एट दैट पीरियड जिस पीरियड की हम बात करें कोका मार्केटिंग बोर्ड नाइनटीन फिफ्टी सिक्सटीज़ की बात है देन राइस मार्केटिंग बोर्ड बर्मा की अगर बात करें तो वो भी आ, पुरानी बात है उस पीरियड के अंदर या अभी भी ये ऐसच नहीं एग्जिस्ट करते स्पेशली डेवलप कंट्रीज के अंदर उसकी रीज़न ये है कि इसको मैनेज करना और वंस अगेन इंटरनेशनल लेवल पे फिर प्राइस का बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होना तो उस चीज़ को अल्टीमेटली किसी और तरीके से इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स की फॉर्म में इसको लेके गया, गया उसमें जो सबसे पहली चीज़ थी वो बफर स्टॉक्स की फॉर्म में थी इसमें क्या होता है कि परचेज ऑफ अ कॉमोडिटी वेन price falls below an agreed minimum price and sale when price is above maximum price तो so, यहाँ पे buffer stock एक stock से maintain किया जाता था कि जब आपके पास minimum price से नीचे agreed price से नीचे जाती थी तो आप stock को बढ़ा लेते थे and then जब आपके पास price ज़्यादा होती थी तो उसको आप हाँ सेल कर देते थे इसमें डिसएडवांटेजेस की फॉर्म में यही था कि कुछ कमोडिटीज़ ऐसी स्टोर होती थी जो बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट के ऊपर होती थी दूसरी फॉर्म ये होती थी कि अगर इफ जो डिसएडवांटेज था इसका बड़ा वो ये था कि इफ़ द मिनिमम प्राइस इज सेट द इक्विलिब्रियम देन द स्टॉक ग्रोज लार्जर लार्जर ओवर टाइम तो यहाँ पे ये होता था कि अगर आ, जो आ, प्राइस थी वो मिनिमम प्राइस से ऊपर होती थी इक्लेमियम प्राइस ऊपर सेट कर दी जाती थी इक्लेम प्राइस से मिनिमम प्राइस तो वहाँ पे आपके पास जो प्रोड्यूसर थे वो ज़्यादा प्रोडक्शन देते थे तो वो बफर स्टॉक ऐसा ऐसा बढ़ता चला जाता था तो ये इसके डिसएडवांटेजेस थे कुछ